हम अपनी फाइनल चैंपियन जोड़ी को पाने से सिर्फ 3 हफ्ते दूर हैं, जो होगी सबसे बेस्ट। तो इस बेस्ट तक पहुंचने के लिए आज फिर हमारी जोड़ियों को 2 लेवल्स के मुकाबले से गुजरना पड़ेगा। पहला लेवल होगा हॉलमार्क स्टैंड अप राउंड और दूसरा लेवल, वेल, इट्स अ वेरी यूनिक राउंड, क्योंकि आज हर जोड़ी के एक पार्टनर की बोलती हो जाएगी बंद। बिकॉज आज का राउंड 2 है बोलती बंद राउंड। क्या है ये? कीजिए थोड़ा इंतजार। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला राउंड। लेकिन शुरू करने से पहले अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर 3 esteemed जजेस, सतीश शाह, जॉनी लीवा एंड अर्चना पुरन सिंह। और हाँ, एक और बहुत बड़ा धमाका भी है आज, अ बिग बिग सरप्राइज। वी हैव सम गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंस ऑफ कॉमेडी सर्कस, और वो है अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। जजेस की एक्सक्लूसिव चॉइस पर एलिमिनेटेड 4 जोड़ियों में से एक जोड़ी को मिल रहा है फिर से मौका। कौन सी जोड़ी है वो? ऐसे नहीं बताऊंगी, देखते रहिए। फॉर नाउ गेट रेडी टू गो बॉन्कर्स। मैं बुलाने जा रही हूँ आज शाम की पहली जोड़ी को। कहते हैं लव इज ब्लाइंड बट मैरिज इज एन आई ओपनर, स्पेशली उस पढ़े लिखे पति के लिए जिसकी बीवी बिल्कुल देहाती हो। और अगर वो जाहिल देहाती बीवी उर्वशी हो तो शकील मियां को तो अल्लाह ही बचाए। Put your hands together for Dehati Bibi Urvashi and Pada Likha Pati Shakil. Oh, खड़ी हो जा। ऐसा लग रहा पत्ती वाला फान खा के टुन हुई हुई है। खड़ी हो। 17 दफा मुझसे टकराई है, 3 दफा बस से बची है। बस वाले भी सुस्त है, ये नहीं कि चढ़ाई दें। कम से कम किसी की दुआई ले ले। घूंघट उठाओ, अल्लाह तुम्हें उठाए, उठाओ। उठा दो ना जानू। 1 2 3 बोलो। क्यों तेरी मेरी रेस लग रही है यहाँ पे? बोलो ना। चलो 1 2 3 उठाओ। ओके। तेरे जहन में था ना, तेरे जहन में था मेरा हुसन देख के ये तीनों बेहोश हो जाएंगे, चकरा के गिर पड़ेंगे। हैं? सही बोला। मैं ना सबको यहाँ सर पे चीज देना चाहती थी। सर पे चीज क्या? जाड़ो तुम, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, बोलते ना अचानक से दिखाने वाला। ज्यादा अंग्रेजी मत बोला कर, किसी ने हलक में ओ फंस गया ना, टी फंसा के निकालना पड़ेगा मुझे। देखो जी, बड़ी अक्लमंद हूँ। हाँ बड़ी अक्लमंद है, बहुत अक्लमंद है, कान में से मैल निकाल के खा जाती है। तेरा सत्यानाश जाए, इतनी अकलमंद है, कह रही है स्विमिंग पूल पे जा रही हूँ। मैंने कहा गांव में भी स्विमिंग पूल बन गया होगा शायद, घुटनों घुटनों पानी में, बारिश के पानी में भैंस के बच्चे नहा रहे हैं, कपड़े समेत कूद गए झबड़। वो भैंस के बच्चे बाहर आ गए, बोले बहन तू ही नहा ले भाई, तू नहा ले, मैं बाद में नहा लेंगे हम। तेरी जैसी औरतें मैंने अदालत में देखी है, जज को कह रही थी, जज साहब मेरे 10 बच्चे हैं, पति से सच्चा प्यार नहीं मिला, अब कितना पति प्यार करे, क्या कब्र में चला जाए मनहूस, कितना प्यार करे, वो 10 बच्चे क्या मुल्क के हालात में बात करते हुए पैदा हो गए। जा जा, तुम क्या जानो प्यार वार क्या होता है, तुम सब मर्दों को अच्छी तरह जानती हो। ये देखो मर्दों का है, कैसी मासूम है, मर्दों को जानती है तो तेरा सत्यानाश जाए। मेरे दोस्त को गोली लग गई यहाँ पे, वो मर गया। मैंने कहा बेगम चलो, ऐसी जाने लगी, मैंने कहा मुंह धो ले, मुर्दे की हंसी निकल जाएगी, वो उठ के बैठ जाएगा, मैं मर गया हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है यार। जा जा, मैं अब शहरी हो गई हूँ, देखो कैसे बन ठन के आई हूँ। काहे की शहरी है तू? शहरी तो देखो माशाल्लाह, सर को बागीचा बनाया हुआ मनुष्य ने, रजाई फाड़ के उसकी रूई निकाल के कमीज सिलवा ली, शहरी बनी हुई है। लिपस्टिक तो देखो कितना खींच के लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है समोसे पे चटनी पड़ा हुआ है। देखो मैं कह रही हूँ शुक्र करो मैं तुम्हें मिल गई। क्यों तू ऑस्कर अवार्ड है? और नहीं तो क्या? ये अवार्ड तो देखो अपने तरफ से लेडी डायना बनी फिरती है, तू है लेडी ड्रावना बहू। देखो इस तरह की बात करोगे ना नर्क में जाओगे। नर्क में जाओ? नर्क में आप कोई नहीं जाएगा। क्यों? तेरा बाप गया ना, उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। वो तो लगाएगा ही। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ भी तो अंदर है। खबरदार, सास के बारे में ऐसी बात की तो इतनी बुरी लगती है तो तलाक ले लो। ए सियाणो, यही तो सियाणपंती की मेरे साथ। सतीश भाई
हक महर में 10 लाख लिखवा लिए। खुदा की कसम 10,000 का माल देके 10 लाख लिखवा लिया मेरे से। बस हो गई तुम्हारी बस बस। क्या बंद करो, नजर नीचे रखो। क्यों, तू मेरी माँ है? कब से चले जा रहे हो? सुन रही हूँ चुपचाप। तू मेरी माँ है, नजर नीचे, मेरी अठन्नी खो गई क्या? बताऊँ सबको? क्या बताऊँ? क्या बताऊँ? क्या ऐसा, उस दिन टूटी हुई चप्पल से पिटाई की थी मैंने तुम्हारी। झूठ नहीं बोलो, चप्पल टूटी हुई नहीं थी। तो वो तो मारने के बाद टूटी थी। हाँ। तुमने वो भी मेरे बदन पे इल्जाम लगा दिया, तुमने बदन ढीला नहीं छोड़ा, चप्पल टूट गई। तुम चलते हो गए नहीं अभी? चुप चलो बेगम, चलो चलो, मैं तुम्हारे सर में जुओं के तेल डाल दूं। नहीं जुए तो है ही नहीं, खटमा ले आओ। चलते हो गए नहीं? चलो ना, चलो चलो, तेरा बेड़ा करा को, तेरा सत्यानाश है मनुष्य। तू 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 क्या झांक रही हमारे घर में, जा यहाँ से। तेरा तेरे तेरे तो तू 5 साल बड़ी, तेरे नाक के बाल तक सफेद है मनुष्य। काला कोला डाला कर ड्रॉप में लेके पिया कर, तेरा सत्यानाश है। चलते हो कि नहीं? मेरी बीवी को देख रही है। ऐसे कप, ऐसे पहनते हैं कपड़े? पता नहीं क्या पहन के आ गई। चलो बेगम चलो चल चल, बाल तो देखो कैसे कटवा के घुमा कर ऐसे कटवाएगी ना, अच्छे लगेगी। मैं आज रो जाऊंगी। चलो चलो चलो, तेरे मुंह पे ना रख के किसी दिन ऐसा रख के फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए, मेरी बेइज्जती होने वाली है, तुम जाओ। चलो बेगम, नंबर ले लो, बाद में बेइज्जती करना। मेरे माँ बाप ने आपके माँ बाप से कोई कर्ज लिया है जो चुकता नहीं किया है, जो आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं? आपको ये पति पत्नी की नोकझोंक कैसी लगी सतीश जी? हाँ भाई, ये नोकझोंक से तो हम पूरी तरह वाकिफ हैं, पिछले इतने दिनों से नोकझोंक ही चल रही है। बल्कि बुरा ना मानिएगा, मैं ये सोचता था कि कुछ आप नई चीज़ें भी लाएंगे, अभी ये ज़रा मोनोटोनस हो रहा है। बट आई रादर कि आप कुछ ऐसा करें जो अभी तक आपने नहीं किया, क्योंकि अब हम फाइनल्स की जानिब जा रहे हैं, तो ज़रा हमारे मार्क्स देने का तरीका भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमारा नज़रिया भी स्ट्रिक्ट होता जाएगा आपकी तरफ। और एज अ वार्निंग, मैं आपको थोड़े कम दूंगा इस बार मार्क्स, मैं आपको 7 दूंगा। थैंक्स, 7 पॉइंट। हाँ बिल्कुल, सतीश भाई ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं थी और आपने बहुत कोशिश की पंच पे पंच लाने की, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी। जो पिछले परफॉर्मेंस में इतना बढ़िया आपने किया था, उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा डल आपको भी लग रहा होगा, लेकिन उर्वशी ने बहुत उसमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत किए। अगली बार ज़रा और धमाकेदार मामला होना चाहिए। मैं आपको 8 मार्क्स देता हूँ भाई। 8 पॉइंट। यू आर लुकिंग वेरी क्यूट उर्वशी। शकील तो हमेशा बहुत बढ़िया कॉमेडी करते हो, लेकिन तुम इस बार थोड़े अंडर रिहर्स्ड। अब जो मामला है, इट शुड बी गोइंग स्ट्रेट अप। थोड़े वीक पंचेस थे, जैसा सतीश ने बोला, थोड़ा रेपिटेटिव था, लेकिन इसी माहौल में भी हस्बैंड वाइफ, आई लव दिस नोकझोंक ऑफ हस्बैंड वाइफ, लेकिन इसी में थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड आइटम होना चाहिए था। जो एंड में जो तुमने इम्प्रोवाइज किया ना, ये जो, मैं इसके लिए तुम्हें 1 एक्स्ट्रा मार्क दूंगी, इसलिए मैं 8 दूंगी, वरना मैं शायद तुम्हें 7 ही देती। 8 पॉइंट, 1 एक्स्ट्रा। स्टूडियो जनता, आपके वोट्स की कमी आपकी फेवरेट जोड़ी को नॉकआउट कर सकती हैं। सो वोट फॉर देम इफ यू वांट टू सी देम इन द फाइनल्स। और अब वो जोड़ी जिन्होंने बड़ी बड़ी हस्तियों की खींच के मस्ती की है, लेकिन क्या वो हस्तियां हमारा ये शो देखकर हंसती हैं? हाउ वुड दे रिएक्ट? वेल, किसी ने ये सोचा हो या ना हो, इस नटखट जोड़ी ने ये सोचना शुरू कर दिया है। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्वप्निल एंड VIP। हाय, मैं हूँ VIP। और आज रबिश, बहुत रबिश, तुम VIP हो? यस, मैं VIP हूँ। तुम कौन हो? ओ व्हाट रबिश, व्हाट रबिश, मेरी मिमिक्री करते हो, मेरा गाने गाते हो और पूछते हो कि मैं कौन हूँ। मैं अन्नु मालिक हूँ, अन्नु मालिक, और ये जावेद साहब की तरफ से थू फा। और कौन सा गाना गाया था तुमने? कौन सा गाना गाया था मेरा? ऊंची बिल्डिंग लिफ्ट तेरे बाल। ओ व्हाट रबिश, व्हाट रबिश, इस गाने को ऐसे नहीं, इस गाने को ऐसे गाना चाहिए था कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बन है कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है, दिल रजामंद है। थैंक गॉड चला गया। शुरू करते, शुरू करते, शुरू करते। हां, मैं हूं VIP और आप लोग के बीच चला गया।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, तुम लोग मेरी मिमिक्री करते हो, तुमने मुझे ओल्ड कहा, ओल्ड? अरे मैंने नहीं, वो स्वप्निल ने ओल्ड कहा था। वो ओल्ड, उसकी माँ ओल्ड, उसका बाप ओल्ड, उसका खानदान ओल्ड, अभी तो मैं जवान हूँ। नाची 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 चला गया चला गया। मैंने 10 बार कहा कि मिमिक्री में सब जाई जाए। थैंक यू जॉनी भाई, तुम जितना करना करो। थैंक यू जॉनी भाई, थैंक यू, आपके दिल की आवाज मैंने सुन ली जॉनी भाई, हम लोग मिमिक्री करेंगे, हम लोग मिमिक्री करेंगे जॉनी भाई। एक मिनट स्वप्निल, जरा इधर आना। जी राखी जी बोलिए। ये करण की तरफ से, अर्जुन की तरफ से। अरे कौन है ये करण अर्जुन जिनके थप्पड़ में इतना डिफरेंस है? करण जोहर और अर्जुन रामपाल। अरे एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट राखी जी, एक मिनट। देखिए करण, करण की हमने उड़ाई है, थप्पड़ बनता है, लेकिन यार अर्जुन रामपाल की तो वो सुनील और किरण ने उड़ाई है। लेकिन वो दोनों तो अपना ट्रक लेके चले गए, इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। ये न्याय नहीं है, न्याय है जय साहब, ये लोग ऐसे नहीं कर। माय गॉड, हाँ हाँ यार, सुरेश मेनन स्टूडियो में। नो, करण जौहर। अरे दादा आप नहीं मारना, अब भी राखी जी आपके बदले का मार के गई है। पता है मैं तो शाहरुख की तरफ से मारने के लिए आया हूँ। दादा आप नहीं मारना, आप नहीं मारना दादा, नहीं दादा। क्या कर रहा है दादा, शो चल रहा है दादा। देखिए आप मत करना दादा, आपकी वजह से तो आधी स्टैंड अप इंडस्ट्री चल रही है। अगर आपने हमको अलविदा कह दिया तो हमारा कल हो नहीं हो क्या मालूम। स्वप्निल, स्वप्निल वीआईपी का नाना जी। नहीं 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 नहीं, मैं डे वन से मैंने वीआईपी को बोला था नाना की नहीं करेंगे, नाना बहुत मारेगा, नाना जी नहीं, नाना जी नहीं। अरे मेरी बात सुनता नहीं है तू, अरे चल खड़ा हो, खड़ा हो। नाना जी सॉरी। अच्छा करते हो तुम लोग, हैं? अच्छा करते हो। वो बूढ़ा किधर है? वो बूढ़ा जो लड़की के साथ में आता है, लड़की चुपचाप बैठती है, वो पिटर पिटर करता है, कहाँ है वो बूढ़ा जो मिमिक्री को नाना करते करते नाना की मिमिक्री करके गया, कहाँ है वो बूढ़ा? वो बाहर है, बाहर है वो। तुम लोग करो, अच्छा करते हो, करो। भैया नाना बाहर गया, वो तो गया, बहुत मारेगा नाना उसको, बहुत मारेगा। चल 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 शुरू करते। हाय मैं हूं स्वप्निल जोशी। सुनील शेट्टी साहब आप कॉमेडी शो में क्या कर रहे हैं? मैं थप्पड़ मारने आया हूं। अरे मजाक है क्या, जो उठता है थप्पड़ मारने आता है, आप क्यों थप्पड़ मारेंगे? हमने तो आपकी उड़ाई नहीं है। इसलिए तो मारने के लिए आया हूं कि तुम लोगों ने मेरी मिमिक्री क्यों नहीं की? आज तक तुम लोग जिसकी मिमिक्री की वो लोग हिट हो गए, मैं क्या लूजर हूं? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो मेरी मिमिक्री करो। है जी? और मेरा नाम करो। आप इंसिस्ट करते हैं तो एट योर ओन रिस्क। ओ ए चंदा, आ गया तेरा बंदा। इतना गंदा? मैं ऐसे बोलता हूँ सर, अब जो भी है सच यही है सर। शटर डाउन, ये हमारा बाकी है। मेरा वाला डाउन क्या है, तुम लोग करो। बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे। खैर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा कॉमेडी शो। तो मैं हूँ स्वप्निल जोशी। स्वप्निल वीआईपी। ठाकुर बलदेव सिंह भी थप्पड़ मारेगा ये। तुम लोगों ने मेरी मिमिक्री की। ये कैसे थप्पड़ मारेंगे, गब्बर ने तो इनके हाथ काट दिए। हाँ की आइंदा मेरी मिमिक्री मत करना तुम। नहीं भैया हम तो करेंगे, मारो थप्पड़। मैं कहता हूँ दूर रहो। नहीं रहूंगा। मैं कहता हूँ दूर रहो। मारो थप्पड़। मैं कहता हूँ। अरे शोले के कील वाले जूते अब तक क्यों पहन के रखे? छोड़ो। ये पाव मुझे दे दे स्वप्निल। ये पाव मुझे दे दे। अरे शटर डाउन। थैंक यू। किसने बोला? जॉनी भाई आपने भी बहुत सारे लोगों की मिमिक्री की है, तो आप इस आइटम के बारे में क्या कहेंगे? ये जो मिमिक्री का मामला है, इमिटेशन का मामला, इसको लेकर नए नए आइटम्स बनाना, नई सोच लाना और नई बात पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि वीआईपी आया तब से यही कर रहा है, और भी उसने कुछ चेंजेस लाए इसमें, लेकिन मिमिक्री इसकी मेन आइटम रही है।
इसके अंदर वैरायटी लाना बहुत मुश्किल बात है और ये मुश्किल काम आपने किया बेहतरीन तरीके से किया है और दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा किया. वेरी गुड वेरी गुड. मैं 9 पॉइंट्स दे रहा हूँ आप लोगों को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. 9 पॉइंट्स. थैंक यू. स्वप्निल तुम इतनी अच्छी मिमिक्री करने लगे हो. अरे संगत का असर वाकई में बुरा नहीं अच्छा हो रहा है. और जो तुम इस मिमिक्री को अपने आइटम में बार बार लेके आ रहे हो वो तो बहुत पसंद आया ही, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारे इस आइटम में वो चीज पसंद आई है कि तुम्हारा जो ओरिजिनलिटी और स्क्रिप्ट है जी. तुम इतने बढ़िया तरीके से पुराना नया आगे पीछे सबको समेट कर जो अपने आइटम में लेके आ रहे हो अब क्या आप लोगों ने कुछ आदत सी डाल दी है हमें कि जब भी आप आते हो आप कुछ नया करोगे कुछ अनोखा करोगे जी सर. और अभी तक आप लोग उसमें बराबर पास होते आए हो. थैंक यू सर. कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. एंड स्वप्निल यू आर वेरी टैलेंटेड बिकॉज यू आर वेरी इमेजिनेटिव. Right, और आपको इस बात का डर होगा क्योंकि आपके जो परफॉर्मेंस में आज ऐसा भी लग रहा था कि कहीं आपके द बैक ऑफ योर माइंड एक डर है आपको कि बाहर निकलते से ही सारी फिल्म इंडस्ट्री हम पे टूट पड़ेगी कि हमारा सर, सर टू बी ऑनेस्ट विद यू पूरा आपकी जो अंडर बिटवीन द लाइंस यही चल रहा था. मगर आप फिक्र मत करो मुझे कुछ मैसेजेस भी आए कि अच्छा कर रहे हैं ये लोग मुझे भी मजा आ रहा है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. मैं तुम्हें जली को आग कहते हैं बुझी को राख कहते हैं जो मार्क्स मैं तुम्हें देने वाला हूं उसे नौ कहते हैं नौ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू स्वप्निल. थैंक यू वीआईपी. अगली जोड़ी वो है जो वैसे दोनों मर्दी हैं लेकिन औरतों के गेटअप में इतनी खूबसूरत लगते हैं कि सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं. जब अली बनकर आए थे लाइफ जैकेट वाली सोनी तो अर्चना जी ने कहा था कि यू लुक सो क्यूट आई वांट टू टेक यू होम. और जब काशिप बनकर आए थे स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस मोनी तो सतीश जी भी उन पर लाइन मारने लगे थे. क्यों सतीश जी? यस भाई आप लोगों के ये कमेंट्स का उन दोनों के दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा है कि अब वो उस गेटअप से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. सो प्रेजेंटिंग अली सोनी असगर एंड काशिप मोनी खान. मर्द कहीं का लागा चुनरी में दाग बिताऊं कैसे लागा चुनरी में दाग. मैं बर्बाद हो गई लूट गई. जब इज्जत का ही का बड़ा हो गया तो इसे बड़ा करके मैं क्या करूंगी. ए आ गए हयात ले ले मेरी हयात मैं आ रही हूँ. रुक जा. हाय हाय छोड़ दे मुझे देख नहीं रही मैं लुट गई. हाँ हाय कैसे लुट गई सारे गहने तो तूने पहने हुए हैं. तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी नत गई है नत. अरे तेरी नत गई है मेरी तो सारी मेहनत ही चली गई. मैंने 9 लाख का मांगा था जालिम ने 9 महीना दे दिया. तेरे साथ क्या हुआ बहन? क्या बताऊँ बहन क्या बताऊँ. उस मोए मर्दूद रोमियो ने मेरे लाइफ की जैकेट की हवा निकाल कर यहाँ भर दी. हाँ हाय तेरे हवा भरी है. मुझे तो डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी कही की कहावत भी नहीं समझती है. चल पर हट मुझे कूदने दे. तू कैसे कूदेगी? पहले मैं कूदूंगी. बढ़िया है कूदने के लिए. देख नहीं सकती मेरे साथ अत्याचार हुआ है. तो मेरे साथ कौन सा आम का अचार हुआ है? मेरे साथ भी अत्याचार हुआ है और बार बार हुआ है. मैं जिसे डायरेक्टर समझी थी वो डिस्ट्रीब्यूटर निकला. पहले उसने ऑडिशन लिया फिर पांगे के पास भेज दिया फिर पांगे ने लिया स्क्रीन टेस्ट. हाय स्किन टेस्ट बहन? नहीं नहीं स्क्रीन टेस्ट फिर यूरिन टेस्ट फिर टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट. हाय एक बात बता सिर्फ टेस्ट ही करवाया कि वनडे भी किया?
अरे इतने टेस्ट के बाद मैंने किया पूरा टेस्ट, जब किसी ने नहीं सुनी तो मैंने कहा कि सुसाइड इज द बेस्ट। हाय बहन, इतना बैड एक्सपीरियंस। हाँ, सारा एक्सपीरियंस बैड पे ही हुआ था। सो बैड नहीं थे, एक ही बैड था और उस पे भी मर्दूत ने सोने नहीं दिया। तेरा दुखड़ा सुनकर तो मैं अपना दुख ही भूल गई। हाय, मैं महिवाल को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। हाय, तेरे पास और भी कोई मुंह है दिखाने के लिए? अरे जल्दी कही की कहावत नहीं समझती है क्या? हाय, मैं महिवाल को धोखा देके रोमियो के साथ बैंकॉक गई थी। उस मोए बैंकॉक में रोमियो ने मुझे नैया पे ले जाके छैया छैया करके मेरा मुंह काला कर दिया। ऐसे मैं कूदूंगी ऐसे। अरे तू कैसे कूदेगी? मैं कूदूंगी। बड़ी आई है कूदने वाली। तुम्हें पता है मैं रात को आई थी यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए। जैसे ही मैं कूदने गई मैंने देखा, हाय ये मुआ कुआ तो सूखा है। रात भर मैं नदी से पानी ला के इस कुएं को आत्महत्या के लायक कर दी और ये शानी आई है कूदने के लिए। चल हट, मैं कूदूंगी। तू सोनी, तू नदी का केस है, तू जाके नदी में कूद। नदी में कूदेगी मेरी चूती। अरे जब तू कूदेगी ना तो तेरे साथ तेरे जूते कपड़े लत्ते गहने सब डूब जाएंगे। छल्ली कही की कहावत भी नहीं समझती है क्या? हाँ भाई, इसका तो हाथ भी भारी हो गया। हाँ। तू जाके नदी में कूद। मैं कूदे तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी सास, तेरी बाबा और बेबी, यहाँ तो मैं कूदूंगी। अरे तू नदी में कूद, मेरी बात नहीं मानेगी तू? मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी मेरी? बिल्कुल नहीं मानूंगी। अच्छा बहन, हाँ चल फिर दोनों मिलके कूदते हैं। चल एक मिनट रुक जा। दोनों कैसे? चारों? हाँ, उन दो के चक्कर में हम इन दो को तो भूल ही गए थे। सोनी, हाँ हम उन दो की सजा इन दो मासूमों को क्यों दें? हाँ सोनी, हाँ हम इन दोनों बच्चों को दुनिया में लाएंगे। हाँ और इन्हें जीने की उमंग देंगे। हाँ और बता देंगे दुनिया वालों, देखो आज की औरत इतनी कमजोर नहीं है कि वो मर्द के बिना जीना पाए। हाँ चल सोनी, चल मिल के नई जिंदगी शुरू करते हैं। आ जा। और इसके साथ ही सोनी और मोनी की नई जिंदगी का आगाज हुआ। दोनों ने दो खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया, होनी और अनहोनी। अगर इस शो को एक्सटेंशन मिला तो उन दो की कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। शब्बक है। आप से आपके रिश्ते ने उसके अंजाम दे दिए ना आप दोनों को। अर्चना, कैसी लगी आपको प्रेग्नेंट सोनी एंड मोनी? मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मतलब आई हैव हैड टू किड्स माई सेल्फ बट थैंक गॉड नथिंग लाइक व्हाट यू आर लुकिंग राइट नाउ। ऐसा लगता है तुम दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट किस्म की औरतें हो। तुम में जो काशिफ जो एक नज़ाकत है थ्रू आउट मैंने नोटिस किया, तुम अपने यू नो दुपट्टे से ढक रही थी। आप में नज़ाकत है, इसमें हिमाकत है। हाँ बहुत ज़्यादा। ये तो उठा उठा के हैरी लेग्स दिखा दिखा के जंप करने की कोशिश कर रही थी और एंड में जो आपने बहुत खूबसूरती से जो वो ट्विस्ट किया कि यू नो नन्नी मुन्नी जान है और यू नो दे डो नॉट डिजर्व टू डाई, दैट वॉज अ वेरी नाइस इमोशनल ट्विस्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस चीज़ पर कॉमेंट करूँ, सिर्फ एंड में यही कहूँगी बोथ ऑफ यू वंडरफुल डिलाइटफुल एंड आई फॉलन इन लव विद बोथ ऑफ यू। अब मुझे डाउट हो रहा है कि मैं क्या हूँ, बट आई एम हैप्पीली मैरिड विद माई हस्बैंड एंड विद टू किड्स, बट आई हैव फॉलन इन लव विद बोथ ऑफ यू। आई विल गिव यू अ 10 पॉइंट। मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा आपके गेटअप पे, फुल मार्क्स दूंगा आपके ओरिजिनल जोक्स पे, आपके पनिंग्स पे और आपकी क्यूटनेस पे तो मैं फुल से भी डबल मार्क्स दूंगा। और भगवान करे कि हर प्रेग्नेंट लड़की या औरत इतनी ही क्यूट लगे जितने आप दोनों लग रहे हो। मैं भी आपको 10 देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। 10 पॉइंट। जॉनी जी, मैं देख रहा था कहीं तो आप मुझे मौका देंगे। अच्छा। लेकिन कहीं भी मौका नहीं दिया आप लोगों ने और बढ़िया सा पंच पे पंच लाए और एंड भी बढ़िया किया और आइटम के अंदर इतनी मेहनत, उसमें मसाज भी था और मैसेज भी था। है ना? ओके, आप लोगों ने अबॉर्शन नहीं किया।
तो मैंने सोचा दे डाल क्या हुआ सर. थैंक यू. थैंक यू सर. And now for the big, big surprise, the dhamaka, hamari wild card entry. Hamari eliminated jodis ki lagan aur quality of humor ko dekhkar hamari judges ne averages of marks ke aadhar par ek jodi ko phir se mauka dene ka faisla kiya hai. Kaun si hogi wo lucky jodi jo ek baar phir aapke dilon mein basne aa rahi hai? Poochte hain hamare judges se. To bataiye Satish ji, who is this lucky jodi? Jigar tham ke baithiye. क्योंकि वो लकी जोड़ी है करिश्मा और ख्याली. Well, a big round of applause for पति पत्नी के झगड़े जितनी लंबी करिश्मा और पति पत्नी के बीच प्यार जितने छोटे ख्याली. A big round of applause. अरे मिस माउंट एवरेस्ट पीछे हट लंबी. एक मिनट, ये लंबी लंबी के जोक में हम लोग इस गेम से लंबे हो गए थे. अब नो लंबी, समझा तंबी? लंबी के जोक में बाहर नहीं हुए थे. डॉक्टर वाली आइटम में तू पूरे कपड़े पहन के आई थी, इसलिए बाहर हुए थे. काश तुम वीआईपी की तरह अच्छे अच्छे कलाकारों की आवाज निकालते तो हम लोग आउट नहीं होते. ला, खुद की आवाज तो ढंग से निकलती नहीं है, कलाकारों की आवाज निकालते. क्या बात कर रही हो आप? अरे काश तुम सुनील सावरा की तरह अच्छी अच्छी शायरी करते ख्याली. तू क्या सोचती है शायरी सिर्फ सुनील सावरा को आती है? मुझे शायरी नहीं आती. ऑफ कोर्स नहीं. अगर मैं शायरी के राउंड में पहुंचता 100 में से 100 नंबर मिलते. मेरी खुद की लिखी हुई लेटेस्ट शायरी सुन. हाथी पादे पू पू. क्या बकवास कर रहे हो तुम यार? म्यूजिकल शायरी है ये. हाथी पे ध्यान मत दो, म्यूजिक देखो. म्यूजिक मैं मानता हूं कि जितना बड़ा हाथी है उतना साउंड नहीं है. प्लीज शायरी बोलो. आप सिर्फ शायरी की मिठास देखो. हाथी पादे पू पू, हैप्पी बर्थडे टू यू. ये तुम्हारी शायरी थी? खुद की. बहुत ही घटिया थी. काश तुम अली काशिफ की तरह. काश तुम ये करते, काश तुम ये करते, काश तू उरुशी की तरह खड़ी खड़ी. हाँ अच्छा ओके, कब कहाँ क्यों करती तो हम पास हो जाते. ख्याली तुम उर्वशी का खुलिया मिश्रा से मजाक मत उड़ाओ, बेचारी बहुत मेहनत करती है. हाथी का दांत दिखाने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं. तू सिर्फ हाथी का दिखाने वाला दांत है, समझी? मैं काम करता रहूंगा, तू सिर्फ खड़ी दिखती रहे ताकि शो की टीआरपी बढ़ती रहे, बस. हाँ तो ठीक है ना, मेरी वजह से शो की टीआरपी बढ़ती है, मेरी वजह से लोग शो देखते हैं. तुमने तुमने वो टार्जन वाले एक्ट में क्या किया था? टार्जन कम शमशान घाट के कुत्ता लग रहा था. तू कहना क्या चाह रही है ये बताओ. क्या क्या मतलब हुआ? मैं कुत्ता लग रहा था? हाँ. मैं कुत्ता? तेरे को नहीं बोला था तू टार्जन बन गया? कितनी बार बोला था अगर तू इतने कपड़े पहन के आती जज साहब तेरे को 10 में से 20 नंबर देते. काश तुमने थोड़ा दिल लगाकर काम किया होता ख्याली. मैडम आप समझदार हो, आप बताओ भाई, दिल लगने के बाद कभी काम होता है? मेरा मतलब है काश तुमने थोड़ी सी मेहनत की होती. ओ मैंने मेहनत नहीं की. नहीं मैंने मेहनत नहीं की. आउट होने के बाद जो 2 लाइनें बोली थी उस पे मैंने इतनी मेहनत की, इतना रट्टा मारा, हमारी पूरी आइटम में सिर्फ वही 2 लाइनें थी जिस पे तालियां बजी थी. हे भगवान, तालियों के पहले वो जो गालियां मिली थी उसका क्या? अरे वो गालियां नहीं थी रे, वो जज साहब की तरफ से आशीर्वाद मिला था. ओ आपको याद नहीं है जज साहब ने क्या बोला था? क्या? कि आइटम में पंच नहीं थे, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था, आपसे जितनी उम्मीद कर रहे थे उतना नहीं आपने किया, मजा नहीं आया और मैं आपको देता हूँ 9. और अर्चना जी ने क्या कहा था? करिश्मा यू वर माइंड ब्लोइंग, लाइक योर कॉन्सेप्ट वाज सो गुड, यू नो एक्चुअली मेड मी लाव लाइक माय मेकअप केम आउट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 6. और जॉनी भाई तो हमेशा तुक्का मारते. हाँ वो तो हमेशा राइमिंग में ही मार्क्स देते, पता है? अच्छा था, अच्छा था. यू वर ग्रेट, इसलिए मैं आपको देता हूँ 8. आपके पंचेस में थोड़ी सी कमी थी. यू वर फाइन, इसलिए मैं आपको देता हूँ 9.
लेकिन फिर भी यार हम करते कराते यहाँ तक पहुँचे तो सही। हाँ वो इसलिए ना क्योंकि हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हम दोनों झगड़े ही नहीं करते ना ख्याली। हाँ देखो आप रोज लेट आती हो फिर भी मैं झगड़ा नहीं करता। ख्याली यू आर जस्ट इम्पॉसिबल, मैं जा रही हूँ। ऐसी मीठी मीठी बातें करती रहती है, जाती है नहीं। ख्याली तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितनी सैक्रिफाइस की है? मुझे केबीसी में बुलाया था, शाहरुख खान ने मुझे बोला कि दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी कौन है, 1 करोड़ को ठोकर मार के आगे, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लिया। मैं जा रही हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? हाँ कर रही हूँ, क्या करोगे तुम? नहीं ऐसे ही कंफर्म कर रहा था। मैं जा रही हूँ। अरे जा जा यार, ऐसी करिश्मा स्कूल के बाहर 5-5 रुपए में तिल्ली के ऊपर टंगा के देता अगला। ये मलिका शेरावत बिपाशा बसु 10 रुपए सीरियल वाली 5-5 रुपए। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंड जानते हैं कि करिश्मा और ख्याली के बारे में हमारे जजेस का क्या ख्याल है। सतीश जी भाई आज ऐसा लग रहा था आप सर पे कफन बन के आए हैं बिल्कुल। हाँ हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। हाँ आपने अपने जो को कॉम्पिटिटर्स है उनको भी लपेट लिया, तीनों जजेस को भी इंडिविजुअली लपेटा, लेकिन बहुत अच्छा लपेटा और वाकई हमें मुझे बहुत मज़ा आया। बिगिनिंग मुझसे भी मैं थोड़ा टेंस हो मेरा का, ये भी हैं अच्छा ये भी हैं, चलो भैया सब बराबर हो गए। एंड वी लव टू लाफ एट आवरसेल्व्स एंड वी लव पीपल लाफिंग एट अस ऑन द राइट थिंग्स। थैंक यू सो मच। योर स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड एंड इट वॉज एन एक्सीलेंट अटेम्प्ट। थैंक यू वेरी मच। इसलिए हम रहम दिल जल्लाद हैं और रहम दिल जल्लाद हमेशा। थैंक यू। 9 points। ऐसा लग रहा था कि यू कम बैक विद अ वेंजेंस। आप लोग इन्होंने बोला सर पे कफन बांध के आए हैं, मैं बोलती हूँ आप अपनी पूरी भड़ास है ना जो हाउ डेयर वी गेट आउट, वो जो एटीट्यूड लेकर आए हैं इट इज़ सो नोटिसेबल। ये एटीट्यूड आपको पहले लाना चाहिए था कॉम्पिटिशन में। ओके अब की बार जिस एटीट्यूड के साथ आप आए हैं वो एटीट्यूड अब जो लाए हैं, आई होप इट इज नॉट टू लेट बिकॉज आई वॉन्ट टू नॉट राइम इट एंड गिव यू 8, आई वॉन्ट टू बी लिल मोर जेनरस बिकॉज यू गॉट दैट फाइटिंग स्पिरिट बैक एंड आई विल गिव यू 9. Thank you. जैसे मुगले आजम में बोले ना, मुगले आजम में हमारे अकबर साहब, क्या हम इसी दिन के लिए तुम्हें मांगा था सलीम, हमने आपको चुन के लाया था कि हम पर आप चुना मारो। वापस चुन के लाए हम आपको। लेकिन अर्चना जी ने सही बोली कि जो स्पिरिट इस बार हमने देखा, जो जोश, जो बिल के खुल के तप के आए आप, जल और कुड़ के जो आए आप, उससे जो ह्यूमर निकला है बहुत अच्छा निकला है। लेकिन अभी मैं क्या बोलूँ, ग्रेट बोलूँ? लेकिन फाइन के साथ राइम करो तो भी चलेगा। हीरो मत बोलना, बाकी सब ठीक है। उस जोश के लिए मैं आपको दूंगा बिल्कुल। थैंक यू। 9 points। थैंक यू। वेलकम बैक। राउंड 1 की सारी परफॉर्मेंसेस फैंटैबुलस थी। नाउ गेट रेडी फॉर कॉमेडी सर्कस का यूनिक राउंड 2। बट बिफोर दैट लेट्स सी वेयर द जोड़ी स्टैंड अकॉर्डिंग टू द जजेस मार्क्स टैली। एट पोजीशन 1 वी हैव अली एंड काशिफ लीडिंग विद 30 points। शेयरिंग पोजीशन 2 आर स्वप्निल एंड वीआईपी विद करिश्मा एंड ख्याली, बोथ ऑफ देम हैव 27 points। एंड सरप्राइजिंगली द लास्ट जोड़ी टुडे आर उर्वशी एंड शकील विद 23 points। लेकिन ये इन सब के फाइनल स्कोर्स नहीं है, राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी वहां पर हमारी जोड़ी किस तरह स्कोर करती हैं। सो नाउ फॉर राउंड 2, द बोलती बंद राउंड, जिसमें हमारी जोड़ियां एक साथ आएंगी तो जरूर, बट मौका मिलेगा सिर्फ एक को बोलने का और दूसरे की बोलती होगी बंद। बुलाती हूँ इस सेकेंड राउंड की पहली जोड़ी को। डम शराड गेम को कौन नहीं जानता, जिसमें एक पार्टनर सिर्फ एक्शन करके किसी वर्ड को समझाने की कोशिश करता है और दूसरा गेस करता है। अपने अनोखे अंदाज में ऐसा ही कुछ खेल लेकर आ रहे हैं अली एंड काशिफ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। गेम तो आपको पता चली गया होगा कि हम यह डम शराड खेलने जा रहे हैं, जिसमें ये साहब कुछ बोलेंगे नहीं और मुझे वो गेस करना है जो ये मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि वो लोग जो शुगर में मुब्तला हों या जिन्हें
हार्ट का मर्ज हो या हाइपरटेंशन हो, वो इस गेम को बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि एक बार मेरे एक दोस्त को ये गेम खेलते हुए दिल का दौरा पड़ा, लेकिन मैं गेम समझकर खेलता रहा। तीन वर्ड्स, यस तीन वर्ड्स हिंदी, तीन वर्ड्स हिंदी के, यस सतीश जी। अरे उर्वशी, करिश्मा तन्ना। खिड़की, बेशरम दूरबीन से पड़ोस में झांकता है, शर्म नहीं आती? ओहो फिल्म पूछिए भाई, इतनी देर में तो फिल्म बताइए, आगे बता आगे। सब बैठे हैं यार, श्रुति बुरा मान जाएगी। इमरान हाशमी की फिल्म, यस। आयशा टाकिया, ओह सॉरी, प्यार मोहब्बत प्यार, यस पहला वर्ड पता लग गया, मोहब्बत प्यार, अगला अगला प्यार। गंदी फिल्म है क्या? अबे इतनी गंदी पिटाई लगी। और यही वो वक्त था जब उसे दिल का दौरा पड़ा। हाँ, दिल दिल प्यार, दिल दिल प्यार प्यार, दूसरा वर्ड दिल 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 है ना। हाँ, हाँ दिल का डॉक्टर, लेकिन इसमें इमरान हाशमी कहाँ था यार? हाँ, हम दिल खा चुके सनम, नहीं हाँ हिंदी डब ब्रेकोला, दिल आपके कदमों में, दिल दिल जमीन पे गिर गया, दिल टाटा कर रहा है, दिल दिल माफी मांग रहा है। अच्छा राम 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 गोपाल वर्मा की दिल, यार ये तो कोई हॉलीवुड की मूवी लग रही है जी। भाई भाईजान खामोशी खामोशी, सॉरी यार तू बता दे यार, चल उठ बता बता यार। इस तरह वो हमारे दरमियान नहीं रहा, लेकिन तू तो है ना, उड़ जा नंबर तो ले ले। अर्चना, I want to ask you, what exactly did this mean, the ending portion? किसका मतलब, ऑडियंस को बताने के लिए मैम? नहीं नहीं, काशिफ ने उससे पहले बोला था कि मेरा एक दोस्त था, उसको साथ ऐसे ऐसे हो गया था। दिस वाज मतलब ये पूरा एक्ट वाज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। नहीं नहीं, अर्चना जी का ये कहना है कि अगर आपने वो तब नहीं खोला होता सस्पेंस, तो अभी और ज्यादा मजा आता, माइंड ब्लोइंग होता। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं हमें लगा कि वो मतलब शायद कन्वे ना हो, इसीलिए पहले क्लियर करें। आपने सोचा कि ऑडियंस को जरा बता दें कि ये हम करने जा रहे हैं, और करके आगाह कर दिया था आपने, आगाह में जरा मार्क्स आपका पीछा हो जाएगा। काशिफ तुम्हारी जो जबान पर जो कंट्रोल है वो अभी भी इस आइटम में भी इट वाज अगेन फैंटास्टिक। और अली जो तुम्हारी टाइमिंग है ऑन योर एबिलिटी विदाउट वर्ड्स एक्टर जो प्रेजेंट कर सकता है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज योर स्पेशल कैपेबिलिटी फॉर विच आई रियली से हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। लेकिन क्योंकि एक खामी रह गई, उसको जो डायरेक्ट करना था इस पंच को उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, बट स्टिल यू बोथ आर टू गुड to not get good marks, I'll give you an 8. Thank you. 8 points. आपने बहुत अच्छा किया जो दम शराट का ये था, मेरी भी यही एक शिकायत थी जो ये बोल रही है, मगर आपकी मेहनत पे मैं आपको दूंगा मार्क्स 8 points. Thank you sir. जॉनी भाई, हमेशा नई चीज लेकर आते हो और उसमें बहुत अच्छा करते हो। अली आपका तो जवाब नहीं है, आप तो जान डाल देते हो रियली, लेकिन माफी चाहता हूँ, मैं भी आपको 8 points. आज जजेस की चॉइस से ये जोड़ी दोबारा आई है और छा भी गई है, तो बुलाते हैं भूतों की दुकान करिश्मा और सूखा हुआ तांत्रिक ख्याली। देखते हैं ये कमजोर तांत्रिक करिश्मा के ऊपर चढ़े भूतों को भगा पाता है या नहीं। प्रेजेंटिंग करिश्मा एंड ख्याली। आजा, जय काली कलकत्ते वाली, नाम है मेरा ख्याली, बड़े बड़े भूतों को कंट्रोल किया है, तू है कौन? ओहो हंसने खेलने वाले भूत भी आने लगे, हंसने खेलने वाले भूतों पे तो मैं स्पेशल रिसर्च कर रहा हूं। आजकल मैंने नया केस लिया है अर्चना पूर्ण सिंह का, उसमें रह रह के नवजोत सिंह सद्दू की आत्मा आती है। तू तो है ही क्या? हंसने वाले भूत
ओ चुड़ैल देख क्या रही है चिमड़ जा। ये मत समझना कि हड्डियां कमजोरी से बाहर आई है। इसकू मिसकू काजा लमड़ियां पिंडी कुंडी भचा भच ये कौन आ गई ये उतार रही है उतार रही है। लगता है मलिका की आत्मा आ गई। सुन बाबा सुन बाबा होया टुन निकाल निकाल सॉरी निकल 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 ये निकल वरना शराब दे दूंगा कि तुझे द्रौपदी के जितनी साड़ी मिले जो कभी खत्म ना हो। निकल निकल ये कौन सी बहन आ गई। रक्षाबंधन पे भूतों का भी एक्सचेंज ऑफर चल रहा कौन आ गया ये आखिर। ओ महेश भट्ट साहब वेलकम सर हमारे शो में वेलकम। आपका इलाज तो मेरे पास है। ये देखो हॉलीवुड की नई डीवीडी इसमें तीन चुम्मियां हैं तीन मर्डर दो रेप सीन बोलना मेरी जिंदगी की नई कहानी है। चल ओहो ओहो ये शांत आत्मा ये कौन है। हंस के दिखाओ रो के दिखाओ कोई एक्सप्रेशन नहीं समझ गया ये कैटरीना कैफ की आत्मा। इसके लिए तो बड़े बाबा को फोन लगाना पड़ेगा। सल्लू बाबा जल्दी आ जा अभी भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। सॉरी ये करिश्मा तन्ना की आत्मा है रॉन्ग नंबर। तो सतीश जी आपको क्या लगता है भूत भागा कि नहीं। लोग मुझे आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और यू नो करिश्मा आपकी पर्सनालिटी जो है उसने चार चांद लगा दिए भूतनी में। और ख्याली आपको तो भगवान ने ही इतनी बड़ी गिफ्ट देकर बुलाया है। मुझे आपकी हड्डियां देखी मुझे लगा आपका एक्सरे साथ में या शादी की तस्वीर है। मुझे महात्मा बनने के लिए ये गेटअप करना पड़ा इसको भूतनी बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। वेरी इंप्रेस्ड आई एम वेरी इंप्रेस्ड वेरी हैप्पी आई विल गिव यू 9। भाई ये बहुत ये आइटम मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। थैंक यू सर थैंक यू। इतने आइटम्स आपने किए आज तक उसमें मेरे को बिल्कुल इसमें हटके लगा। भूतनी बहुत अच्छी बनी आप बहुत अच्छा मारा इसमें मुझे कहीं झोल नज़र नहीं आया कोई कमी नज़र नहीं आई। तो बाबा मैं दिल से आप लोगों को ये दे रहा हूँ भाई। मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे बिकॉज तुमने ये कहाँ छुपा के रखा है इतने सारे दिन। व्हाई आर यू कमिंग ऑफ कोर्स वाइल्ड कार्ड राउंड में हमने तुम्हें एक रीजन के लिए बुलाया लेकिन व्हाट द हेल वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम। यू आर सो गुड। इस आइटम में तुमने ये जो एक को म्यूट होना है और दूसरे को बोलना है ये इतना बखूबी तुमने इस्तेमाल किया है इसे। You know, you did all the right things. I will give you still only 9 because I think you still can do much, much better. Thank you. 9 points. Thank you, Karishma. Thank you, Khayali. Dare to be different. यही स्वप्निल और VIP का मंत्र रहा है। हर हफ्ते कुछ न कुछ नया ही करते आ रहे हैं। आज बोलती बंद राउंड में भी कुछ नया ही लेकर आ रहे हैं और वो है पपेट शो प्रेजेंटिंग वेंट्रिलोक्विस्ट VIP विद हिज अमेजिंग पपेट स्वप्निल। शटर हाय मैं हूं VIP। हाय श्रुति। हाय करिश्मा। हेलो अर्चना। अबे दो जज और बैठे उनको तो हाय लगा। मैं इस टाइप का नहीं हूँ। अबे नंबर नहीं देंगे वो लोग। वो इस टाइप के नहीं है। क्यों श्रुति कैसा कहा। अबे काम पे ध्यान दे। अरे यही तो मेरा काम है। मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ वो खुश होती है। क्या बात कर रहा। ये देख ए श्रुति आई लव यू ए आइटम। अरे मैं सबकी दिल की बात सोच सकता हूँ। अच्छा ये बता कि श्रुति के मन में क्या चल रहा है। बताऊँ। हाँ बोल। वो मेरे बारे में सोच रही है।
तेरे बारे में क्या सोच रही है वो? वो सोच रही है, अबे कमीने, इतनी अच्छी ड्रेस डाली है, अब तो छेड़ दे। तू छेड़ता क्यों नहीं? अरे वो तो शकील का काम है, मैं क्यों छेड़ू? अच्छा एक बात, एक मिनट, करिश्मा क्या सोच रही है? बोलू, करिश्मा सोच रही है अगर मैं और ख्याली जीत जाते हैं तो जो भी पैसे मिलेंगे हाइट के हिसाब से बंटवारा करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बता, ये ख्याली के दिमाग में क्या चल रहा है? बता बे, चुप क्यों है? अरे एक मिनट, उसका दिमाग तो ढूंढने दे। अबे यार, अच्छा ये बता, वो जो अली बैठा वहां पे, वो क्या सोच रहा है? अरे यार वो सोच रहा है, काश काशिफ हमेशा के लिए औरत बन जाए। अली। और काशिफ क्या सोच रहा है? काशिफ सोच रहा है, ए भगवान मुझे अली से बचाओ, औरत बनता हूँ तो लाइन मारता है, आदमी बनता हूँ तो लाइन मारता है। अबे यार, तू गंदी गंदी बात करने लगा, तो अच्छी अच्छी बात करना। अच्छा करता हूँ। ये बता, जॉनी भाई बैठे हैं, वो क्या सोच रहे? बताऊं? 9, 10, 11 इतने नंबर देंगे? अरे नहीं, वो तो हमारे पंचस गिन रहे एक्ट के। अच्छा वो छोड़, सतीश जी क्या सोच रहे? बोलू? हाँ बोल। वो सोच रहे तुम दोनों बड़े कमीने हो। अर्चना का बोलू? अरे बस मने। अरे बोलने दे। अरे नहीं यार। अरे डर मत यार, डर मत। उसके दिमाग में एक ही वर्ड चल रहा है। कौन सा? माइंड ब्लोइंग। भाई अभी शटर डाउन करना पड़ेगा। अरे जल्दी कर, जल्दी कर। क्यों? अरे यार तू शटर डाउन करेगा तो श्रुति जल्दी आएगी ना। अरे जल्दी आ जा मेरी रानी। अरे चुप, शटर डाउन। आ जा मेरी रानी। थैंक यू जजेस, आपको स्वप्निल और वीआईपी का ये एक्ट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। जो नया टोटका लाया आपने वेंट्रोलॉजिज्म का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नई बात है। थैंक यू सर। लेकिन वाकई मैं पंचेस गिन रहा था। थोड़े मुझे पहले से कम लगे हैं, लेकिन आगे और अच्छा होगा। लेकिन नई बात के लिए मैं आपको 9 देता हूं। 9 points। थैंक यू सर, थैंक यू। स्वप्निल, वीआईपी, द बिगिनिंग ऑफ इट वाज लाइक फैबुलस, बिकॉज द वे यू जंप्ड एंड दिस होल थॉट, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये माइंड ब्लोइंग है। और स्वप्निल यू वेरी एक्सप्रेसिव, और ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था। जैसे कि जॉनी ने बोला कि फॉर द न्यूनेस ऑफ इट एंड द कैपेबिलिटी विद विच यू डिड इट, आई विल गिव यू 9। थैंक यू। थोड़ी सी वीकनेस में कहीं कहीं थी, कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन आई एम सोल्ड ऑन दी आइडिया टोटली, और इसलिए मैं इतना खुश हूँ कि मैं भी आपको 9 दूंगा। मगर ये दिस इज टू एनकरेज यू टू डू इवन बेटर सो दैट यू गेट 10 फ्रॉम मी। 9 बहुत अच्छा किया। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू वीआईपी। बाय। शकील का मानना है कि उर्वशी की जुबान कैची से भी ज्यादा तेज चलती है, यहाँ तक कि वो रॉन्ग नंबर से भी घंटों तक बात कर सकती हैं। लेकिन आज शकील बहुत खुश हैं क्योंकि आज उर्वशी की बोलती बंद है। देखते हैं वो अपनी उम्र भर की भड़ास कैसे निकालते हैं। तो चलिए बुलाते हैं दूसरे राउंड की लास्ट जोड़ी को, चुप चुप खामोश उर्वशी और भड़ास का लावा शकील। तेरी बोलती बंद कर दी इन लोगों ने, बैठ जा। सलाम अलैकुम जी, क्या अच्छा राउंड आप लोगों ने निकाला है कि चुप करा दिया इसे। मैं तो कहता हूँ हर घर में आधे घंटे का एक एपिसोड होना चाहिए जिसमें बीवियाँ चुप रहें, मियाँ बोलें कम से कम, उनके दिल की भड़ास निकले। ये भीख मांगना बंद कर, बिल्कुल चुप, वरना कान में सिगरेट बुझाऊंगा, बता दिया मैंने।
बहुत मुझे जाहिल जाहिल कहते ना, आज तेरा पूरा खानदान यहाँ खोलूंगा। जो पैदा नहीं हुए उनकी भी बातें बताऊंगा मैं। पूरा खानदान जाहिल, इनके साथ फिल्म कभी देखना नहीं आदमी। अम्मा, बेटा, ये अब्बा सब मेरे साथ फिल्म पे चले गए जॉनी भाई। और इसका बाप इतना बड़ा जाहिल, फिल्म देख रहा, अदालत का सीन है। जज ने कहा अदालत 17 तारीख तक मुलतवी की जाती है, सब बोला चलो घर चलो, 17 को आएंगे। सीरियल में बड़ा ओवरलैप करती ना, जान से मार दूंगी, अंदर अंदर बोल बस। तेरी जैसी चिड़ियाएं होती हैं, अंडे देके खुद ही बेहोश हो जाती है। बोल 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 बोल, क्या करेगी, मारेगी ना, आज पूरा खानदान खोलूंगा, तेरा पूरा खानदान खोलूंगा। तुम लोग कितने जाहिल हो, तुम्हारा अल्लाह, इसने गहने बेचे बेचारी ने, गहने बेच के अपने भाई को ऑटो दिला दिया कि जाओ धंधा करो। वो सुबह से गया, 9 बजे तक कोई पैसेंजर नहीं बैठा। एक आदमी आया, कह रहा माहिम जाना, कह रहा वहाँ से बस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, आइए। आप कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, आज आज रोजा आज है। माफ हूँ, आज रोजा है। अच्छा, आज रोजा। जजेस, आप इस मियां बीवी के रोल रिवर्सल के बारे में क्या कहेंगे? आज आप लोग दोनों कुछ उस मूड में नहीं है जो जनरली होते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद भी पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, और क्योंकि हम लोग अभी नतीजे के करीब आते जा रहे हैं, तो ये शायद आपके लिए हेल्दी साबित ना हो, मैं फिर भी आपको 8 तो दे देता हूँ। 8 points. I'm very sad today. बिकॉज़ इस मकाम पर आकर आपको वीक परफॉर्मेंस आप दे ही नहीं सकते, और आप दोनों, मैं अब सबके सामने बोलूँगी, मेरी फेवरेट जोड़ी हो हम सबकी। यू नो, वी ऑल ऑफ यू आई थिंक अ ग्रेट फैन ऑफ शकील एंड रशीद। और वीक क्यों है, मुझे लगता है इवन आई कांट अंडरस्टैंड क्यों है आज का आपकी परफॉर्मेंस, लेकिन सही है। एज ए परफॉर्मर आप लोगों ने भी कभी कभी बैड डे परफॉर्म किया है, सबने किया है थोड़ा। लेकिन आज आपका बैड डे नहीं हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज, बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड, जहाँ पर जो वीक जोड़ी होगी वो बाहर जाएगी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो इट इज़ समथिंग मेरे दिल में ऐसे चुभ रहा है अंदर दैट लेकिन मैं आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स इसलिए नहीं दे सकती बिकॉज वाकई में आपके जो परफॉर्मेंस आपके कंपटीशन में मुकाबले में और औरों के मुकाबले में उतनी बेहतर नहीं है। आई एम डिसअपॉइंटेड, बट बिकॉज यू आर स्टिल गुड इवन व्हेन यू आर बैड, आई विल स्टिल गिव यू एन 8। शकील भाई, मैं जानता हूँ कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ है और सभी जानते हैं, और उसमें मैं कुछ भी रिपीटेशन देख रहा हूँ, कुछ वो आप रिपीट कर रहे हैं, और मैं भी अटक गया हूँ बोलने में क्योंकि उसमें वो बात नहीं आ रही है। ये होता है क्योंकि मुश्किल काम है कोई, आप प्लीज़ अगली बार कोशिश कीजिए और तोड़ डालिए। 8 points. हमारी इन चारों जोड़ियों ने आपको एंटरटेन किया एंड गिव यू नॉन स्टॉप लाफ्टर, लेकिन अब वक्त है सबसे कठिन काम का, द एलिमिनेशंस। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट ऑल द 4 जोड़ीज टू कम ऑन स्टेज। आज मुकाबला कॉमेडी सर्कस की 4 बेस्ट जोड़ियों के बीच था। The stakes were very high. Karishma Khayali, you've come back with a vengeance. Baki 3 jodiyan, Ali Kashif, Urvashi Shakil, Swapnil and VIP. Aap to hame dhamakedar performances dete aa hi rahe hain. But like you know, that it's a game and only the best will survive here. Aaj aap charo ki performances neck to neck rahi. I'm sure hamare judges और हमारी ऑडियंस को आपको पॉइंट्स देने में काफी दिक्कत हुई थी, एंड आई हैव टू से दैट द पॉइंट डिफरेंसेस हैव बीन नॉमिनल। 1-2 पॉइंट्स के डिफरेंस से ही आज किसी एक जोड़ी को यहां से चले जाना पड़ेगा। सबसे पहले I'd like to congratulate the highest scorer of today's episode, Swapnil and VIP. Yeah.
करिश्मा खयाली, उर्वशी शकील, अली एंड काशिफ। अब आप तीनों में से कोई एक सेफ है और दो जाएंगे डेंजर जोन में। और जो जोड़ी सेफ नहीं है वो है अली एंड काशिफ। यू गो टू द डेंजर जोन प्लीज। करिश्मा खयाली, आप पिछले एपिसोड में एलिमिनेट हो गए थे। आपको हमारे जजेस ने एक और मौका दिया है। आर यू हियर टू स्टे? यस यू आर, यू आर एब्सोल्युटली सेफ। 10 हफ्तों में पहली बार उर्वशी एंड शकील आप जाएंगे डेंजर जोन में। वेल, आप दोनों जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी इस रेस में वापस शामिल हो जाएगी। उर्वशी शकील, अली एंड काशिफ, आप में से किसी भी जोड़ी को खोना कॉमेडी सर्कस का लॉस होगा। अली काशिफ, आप तीसरी बार डेंजर जोन में जा चुके हैं, आज क्या होगा? क्या आप रेस में वापस आएंगे? उर्वशी शकील, आप हमारे जजेस के फेवरेट रहे हैं, हमारी ऑडियंस ने आपको बहुत पसंद किया है और घर बैठे हमारे दर्शकों ने भी। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिस जोड़ी को हम गुड बाय कहेंगे वो अली और काशिफ नहीं है। उर्वशी एंड शकील, आई फील टेरिबल टू से गुड बाय टू बोथ ऑफ यू। यू ऑल हैव बीन फैबुलस थ्रू आउट। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ऑडियंस, इतने हफ्तों से ये आपको हंसाते आ रहे हैं, हमारे जजेस को हंसाते आ रहे हैं, हमारी जोड़ियों को कंपटीशन देते आ रहे हैं, मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते आ रहे हैं, तुम्हारी बद्दुआ लगी। इन सब के बिना मैं आगे एपिसोड में काम नहीं कर पाऊंगी। शकील, बाहर आ जाऊंगा मैं, वहां कर लेंगे बातें। और जैसा कि अर्चना जी ने आपसे कहा शकील, कि आप इतने बेहतर और इतनी कमाल की कॉमेडी करते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है आप दोनों को गुड बाय कहने में। शकील एंड उर्वशी, जाने से पहले प्लीज हम सबको अपने आखिरी अल्फाज सुनाते जाइए। मैं यही कहूँगा कि मैं इंडिया आया, मैंने कॉमेडी का बादशाह किया, अब सर्कस किया, और 9 हफ्ते तक हम नहीं आए डेंजर जोन में और सभी आते चले गए, तो जीत तो हम ऐसे ही गए थे क्योंकि सब निकल गए थे, हम रह गए थे। और जीत हार तो है, खेल का हिस्सा है। बहरहाल मेरा सफ़र शायद यहीं तक का था, फिर ज़िंदगी रहेगी कभी तो फिर आएंगे इसी मंच पे, खेलेंगे और जीतेंगे। जीत हार लगा रहता है, कोई मसला नहीं। उर्वशी, अपन चल के बाहर जुआ खेलते हैं, उसमें एक दूसरे को जीतते हैं, तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। मैं जजेस का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और हम इनके फेवरेट रहे हैं, आप लोग ऐसा कह रहे हैं, शायद ठीक ही हो। तो ख़ास करके आज तीनों खड़े हो गए हमारे लिए, काश पहले खड़े हो जाते तो शायद मैं कुछ और कर जाता। बहरहाल अर्चना जी का भी शुक्रिया, वो एक दफ़ा खड़ी हुई थी, आपको भी नहीं होना चाहिए था, गुना देता अल्लाह मियाँ। तो क्या कहेंगे आप, मेरा तो सफ़र यहाँ ख़त्म है हिंदुस्तान आने का, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, ऑफ कोर्स इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर, अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ एनी वे, एंड इट्स अ गेम, समबडी डज वेल, समबडी डज बैड, समबडी विन्स, समबडी हैज टू लूज, सो आई गेस वी आर द लूजर्स टुडे, बट ओवरऑल इट वॉज ग्रेट एंड आई थैंक एवरी वन। Thank you, Sony, for giving me this opportunity out of everyone from the fraternity, because I had a completely different image and people have seen a completely different image of me over here. And I could only do that because of everyone's support over here, all the colleagues, the judges, Khaskar, and nevertheless, I can't not include Shakil ji in that. He was the one who boosted that confidence in me, so it was great.
थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक बात मैं कहूँगा अपने जजों से कि आज हमने एक मियाँ बीवी का कुछ किया था तो हमें कहा गया रिपीट, तो सर ये देहातन थी, मैं शहरी था, हमने पहले एपिसोड में मियाँ बीवी किया था, अब दसवें में किया, रिपीट सर सभी कर रहे हैं, आगे जो भी हैं तीन आदमी जज कीजिए ज़रूर इनको अच्छे तरीके से कीजिए, वो भी लेडीज़ बन के आए, पिछले एपिसोड में भी लेडीज़ थे, ये भी मिमिक्री करते हैं अलग अलग अंदाज से करते हैं, है तो मिमिक्री, तो ये मत कहिए, आप ये देखिए कि अच्छा नहीं किया वो ख़त्म है, रिपीट हर दफ़ा रिपीट आदमी करेगा, अगर अच्छा होगा तो रिपीट भी चलता है। मुझे रिपीट से एक बात याद आई, नॉर्मल टेलीकास्ट भी रिपीट होता है बाय द वे, तो रिपीट ज़्यादा TRPs लेता है ना कि नॉर्मल टेलीकास्ट, सो ठीक है रिपीट सब गुड एनी वे, रिपीट से कोई मसला नहीं है, हमारा स्क्रिप्ट अच्छा नहीं था ये ठीक है। नहीं शकील भाई, अर्चना जी बात कर रहे थे आपस में, वो कुछ वर्ड्स है ना, कुछ अल्फाज वो रिपीट हो रहे थे, लाइनें कुछ नहीं, नहीं, नहीं कहा गया हमें मियाँ बीवी रिपीट हुए तो उस पे मैंने कहा नहीं, नहीं, मियाँ बीवी नहीं सर, मियाँ बीवी कहा गया कि आप लोग मियाँ बीवी बने, और हमारा तो यही था नोक झोंक, मैं गेटअप नहीं लेता हूं इतना, ये तो एंड तक चलता रहेगा, मियाँ बीवी तो जिंदगी भर करते रहो यार, कहाँ एंड है उसका। नहीं वो मसला नहीं है कि मैं रिपीट, वो नोक झोंक ही है कॉमेडी का नाम, और हमने गेटअप्स इतने नहीं लिए, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं गेटअप्स के सहारे कॉमेडी करूं, मेरे नेचर में है शुरू से, तो शायद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं शकील भाई, आपको जो ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है वो किसी को और को नहीं दिया है, समझे कि नहीं, लेकिन ये क्या है स्किट का मामला है, सुर लगने की बात है, थोड़ा सा है मुश्किल काम होता है, मैं मानता हूँ, मैं आपके पास है ना स्क्रिप्ट में झोल होगा नो डाउट, कभी अच्छा नहीं है कि रोज जब सुर लगता तो किसी और का कोई सामना नजर नहीं आता, ऐसा सुर लगता है सर मेरे तो बहुत अच्छे 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 सुर मिल लगे, लेकिन आज तक हमने 30 नंबर तो नहीं लिया ना। बहरहाल थैंक यू, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उर्वशी एंड शकील वंस अगेन। मैं शकील तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी नीली शर्ट पे कॉफी किसने गिराई, ये श्रुति की तरफ से है सवाल। ये कॉफी नहीं है, जंग है। जंग लगा हुआ है ये। Exactly. वो जंग निकाल दीजिए दिमाग से भी और दिल से भी। नहीं सर मेरे दिल दिमाग बिल्कुल साफ है मेरा, आप एक्सरे करा लें यहाँ से, इंशाल्लाह कोई मैल नहीं नजर आएगा।